क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट किस बोर्ड को आप लावा के ऊपर भी चला सकते हो, या फिर कैसे आपको ये कैट्स माला माल कर सकती है। और ऐसे ही हम लोग 25 माइनक्राफ्ट के फैक्ट्स जानेंगे जो देखकर आप भी बोलोगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो या लेट्स बिगिन। इस वाले सीड में अगर आप यहाँ पे जाते हो तो सामने देखने के लिए मिलता है आपको रामू। यस, मैंने इसका नाम रखा है। तो ये रामू माइनक्राफ्ट का जनरेट हुआ ऐसा पहाड़ है जो कि इंसान जैसा दिखता है, जिसने अपना हाथ कुछ ऐसे ही उठा रखा है, लेकिन इसके चेहरे पर मुंह और आंखें थोड़ी सी गायब है। लेकिन अपना रामू काफी ज्यादा ही बढ़िया दिखता है, तो इसको पहली बार देख लेना सर्वाइवल में, उसकी तो हवा टाइट हो जाए। हेलमेट तो हर कोई पहनता सर के ऊपर, लेकिन यार ये इतना भी ज्यादा मस्त नहीं दिखता। अब ये वाली कमांड यूज करो और अब आप माइनक्राफ्ट का कोई भी आइटम सर पे पहन सकते हो, चाहे आपको अपने सर पे ग्लास का डब्बा ही पहनो या फिर ये कॉपर वाली रोड जो कि हेडफोन जैसी दिखती है। इवन गेट भी आप सर के ऊपर पहन सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है और आपका प्लेयर इसमें काफी ज्यादा ही कूल लगता है। तो एक एंशिएंट सिटी की वार्डन पोर्टल के बारे में तो आपको पता ही होगा, और इस पोर्टल के सामने नीचे जाके अगर आप माइन करोगे तो आपको यहाँ पे एक सीक्रेट रूम देखने के लिए मिलेगा। यस, यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और इसमें यहाँ पे अलग अलग रेडस्टोन की चीजें भरी होती है। मतलब आपको यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि एक्चुअल में रेडस्टोन कैसे काम करता है। थोड़ी सी यार अजीब जगह लगी मेरे को। वैसे आपको रेडस्टोन यूज करना आता कि नहीं आता, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इस एंशिएंट सिटी में वार्डन भी तो रहता है, जिसको मारना यार काफी ज्यादा ही मुश्किल है, आपकी एक बारी में हवा टाइट कर देता है। लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे बताता हूँ इस महाराज को पेलने का। आपको एक आयरन गोलम बना लेना होगा और इस आयरन गोलम को इसके सामने छोड़ दो। अब आप सोचोगे आयरन गोलम तो एक बारी में पेल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे डैमेज लेगा आपको इसको वापस से आयरन देकर रिपेयर करना है, और वार्डन को ये इजीली खत्म कर देगा और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बीकन्स काफी ज्यादा मस्त चीज होती है, इससे आपको तगड़ी पावर्स जो मिलती है। लेकिन ये चीज आपको शायद ही पता होगी कि हम लोग बीकन नेदर में बना ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, कौन सा भी बीकन नहीं बनेगा यहाँ पे। इसका कारण तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक आइडिया जरूर है। सीधा खुदाई करते हुए ऊपर चले जाओ बेडरॉक तक और यहाँ बनाओ बीकन, और ये पता नहीं क्यों यहाँ पे ऊपर एकदम परफेक्टली काम करता है। और नेदर से याद आया, आप लोग नेदर में कोई भी मॉब लेके आ सकते हो, लेकिन सिवाय इन तीन मॉब्स को छोड़कर। पहला तो ये अपना विदर जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है, एंड दूसरा एंड ड्रैगन, इसको भी आप नेदर में नहीं ले जा सकते। लेकिन एक और ऐसा छोटा सा मॉब है जिसको आप बिल्कुल भी नेदर में नहीं ला सकते, ये स्पाइडर पे बैठा हुआ स्केलेटन, बड़े अजीब सा दिखता है। वैसे भी क्या ही करोगे यार इसको नेदर में ले जाके, यहीं पेल दो। हॉर्सेस माइनक्राफ्ट में तैर ही नहीं सकते और उससे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप हॉर्स को स्विमिंग करा सकते हो। गोल्डन एप्पल या गोल्डन कैरेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो वो दिखा दो हॉर्स को, वो स्विमिंग करता हुआ आपके पास आ जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कुछ ज्यादा ही स्लो होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि स्लो नहीं बल्कि फास्ट है फूटने में, और इन क्रीपर्स के धमाके में अगर आप पोशन ऐड कर दो फिर तो मजा ही आ जाएगा, और आसपास वाले सारे मॉब्स भी मर जाएंगे, वो भी फ्री में। और हाँ, अगर आपको माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक क्रीपर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको एक चार्ज वाला क्रीपर ढूंढना पड़ेगा और फिर उस पर डैमेज वाला पोशन डालकर फोड़ दो, और इतना ज्यादा खतरनाक फूटेगा कि आप तो इस वर्ल्ड से गायब ही हो जाओगे। ये नॉर्मल वाली एलेक्स तो आपने देखी ही होगी माइनक्राफ्ट में, लेकिन माइनक्राफ्ट की सीक्रेट फाइल में एक सीक्रेट एलेक्स की स्किन भी है। वैसे ये दिखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन उसके आंखों पे एकदम बड़ा सा चश्मा लगा हुआ है। यस, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया सा दिखता है, और ये स्किन बिल्कुल माइनक्राफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉय जेब जैसी दिखती है। देख लो दोनों को साइड बाय साइड कितने ज्यादा ये सिमिलर दिखते हैं। पांडास माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के मुंह बनाते हैं, वो भी पूरे के पूरे 7 टाइप के। जैसे ये तो देखो नॉर्मल पेंडा है, ये थोड़ा सा आलसी वाला पेंडा है, ये चिंता लेने वाला पेंडा, ये खेलता हुआ पेंडा, ये गुस्सा करता हुआ पेंडा, और इवन यहाँ पे एक ब्राउन कलर का रेयर पेंडा भी होता है। और ये सारे पांडास यार अलग अलग टाइप की हरकतें करते हैं, जैसे किसी को यहाँ पे थंडर से कुछ ज्यादा डर लगता है, या फिर कुछ पेंडास यहाँ पे कूदते फुदकते रहते हैं, एंड यस ये बेचारे गिर भी जाते कभी कभी। माइनक्राफ्ट की कैट्स हमें यार बहुत ज्यादा तंग करती है, इनको टेम करना यार बड़ा मुश्किल होता है, जैसे ही पास जाओ यार भाग जाती है। और अगर एक बार आप इसको टेम भी कर लेते हो तो भाई अपने घर पे तो इसको बिल्कुल भी मत लेके जाना, क्योंकि ये बिल्ली अपने आप को रानिया समझती है और ये चेस्ट पे जाकर बैठ जाती है, और उसके बाद आप ये चेस्ट कभी खोल ही नहीं पाओगे। या तो आपको उठ के दूर जाना पड़ेगा या फिर आप इसको ऐसे धक्का ही दे सकते हो, जिसमें यार बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन एक चीज कैट्स की काफी ज्यादा अच्छी होती है, हाँ ये क्रीपर्स को तो हमसे दूर ही रखती है, इवन ये कैट्स आपके साथ रात में सो भी जाती है और सुबह आपको गिफ्ट देती है। यस, गिफ्ट जैसे स्ट्रिंग्स, स्पाइडर आई या फिर ये फेंडन मेम्ब्रेन। और अगर आपको बहुत ज्यादा फ्री का माल चाहिए तो आप अपने बेड के साइड में 6-7 बोर्ड रख दो और उसमें कैट बिठा दो, और जैसे ही आप सुबह उठोगे ना ये कैट्स आपको माला माल कर देगी। वैसे तो किसी को एग फेंक के मारते तो बड़ा मजा आता है, और उसमें से एक छोटी सी मुर्गी भी निकलती है, एकदम प्यारी और क्यूट।
सी, लेकिन एक एग से एक चिकन भी निकल सकती है या फिर दो मुर्गियां भी निकल सकती है, और हाँ कभी कभी तीन भी निकल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यार लकी हो तो एक ही एग से आप चार चार मुर्गियों के बच्चे निकाल सकते हो, जो कि यार काफी ज्यादा रेयर होता है। बस मैं ही थोड़ा सा अनलकी हूँ यार। ये तो देखो जरा मेरा बोट के साथ जलवा। अरे नहीं, यहाँ तो मेरा ही जलवा निकल गया। लेकिन क्या आपने कभी बोट को लावा के ऊपर चलाने का सोचा है? यस, ये पॉसिबल तो है, बस आपको एक छोटी सी कमांड डाल देनी है और अब आप इस बोट को मस्त लावा के ऊपर भगा सकते हो, और ये कभी भी जलेगी नहीं, क्योंकि ये देखो हवा में उठी, जलेगी कैसे। लेकिन अगर आप इस बोट पे सवार होते हैं तो आप जरूर जल सकते हो, इसलिए पोशन वोशन लगा कर ही मजे मारना। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो अगर आपके पास है तो आपके दोस्त आपसे बहुत ही ज्यादा जलने वाले हैं पक्का। ये डीप सेट एमरल्ड ओर, ये अभी माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा रेयर ओर है। आप सोचो कि इसमें क्या है, ये एमरल्ड वाली तो ओर है, लेकिन नहीं, इसको ढूंढना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। ये आपको सिर्फ माउंटेन्स वाली बायो में मिलेगी और वहाँ पर डीप स्लेट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार आपको ये मिल जाती भाई, इसको प्यार से ही माइन करना और इसको घर पे ले जाके इस दीवार पे सजा देना, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बेड माइनक्राफ्ट में यार काफी सारे होते हैं और इनको आप मस्त कहीं पे भी लगा के सो सकते हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको बेड बिल्कुल भी गलती से भी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ एंड पोर्टल के नीचे। क्योंकि यहाँ बेड रख के अगर आप एंड डायमेंशन में चले गए और वहाँ आपको किसी मॉब ने फेल दिया तो आप बेड पे तो वापस आओगे, लेकिन एकदम से पोर्टल के कारण एंड डायमेंशन में वापस चले जाओगे, और अब आप इस एंड डायमेंशन में सड़े हुए ड्रैगन के साथ हमेशा के लिए फंस चुके हो, सिर्फ एक छोटे से बेड के कारण। 1.20 में एक नया पोशन आया है, वो भी एकदम मस्त दिखने वाला, और इसका नाम है लकी पोशन, और ये सच में ही आपको एकदम लकी बना देता है। इसको पियो पहले और फिर कोई चेस्ट लूटने जाओ, आपको इतना ज्यादा मस्त सामान मिलेगा, इतना मस्त सामान मिलेगा कि आपको अपने आंखों पे भरोसा ही नहीं होगा। और हाँ, 1.20 में कुछ नए सीक्रेट ब्लॉक्स भी आए हैं, मतलब ये ब्लॉक्स पहले भी थे लेकिन अभी आप इनको सीधा क्रिएटिव मेन्यू से उठा सकते हो, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर ब्लॉक, या फिर अजीब से दिखने वाला जिक्सो ब्लॉक, या फिर ये वाला लाइट ब्लॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो हर जगह जादू से एकदम रोशनी फैला देता है। और इवन यहाँ पे कुछ सीक्रेट पेंटिंग्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिनको आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। वैसे ये है क्या पेंटिंग्स, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रही। ये चीज बहुत ज्यादा रेयरली होता है कि स्नो बायो में आपको पंपकिंस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप जाके स्नो बायो में पंपकिंस रख देते हो और वहाँ पे यार काफी ज्यादा स्नो पड़ रही हो तो चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वहाँ पे एक अपने आप से स्नो गोलम बन सकता है। यस, धीरे धीरे यहाँ पे स्नो कलेक्ट होगी, और पंपकिन हेड तो आपने यहाँ पे रखा हुआ ही था, लेकिन अपने आप से ऐसे जादू से स्नो गोलम बनना, इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। और हाँ गाइस, मेरे और मेरे नूबड़े फ्रेंड के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी शर्त लगी है कि इस साल खत्म होने से पहले पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कौन हिट कर लेगा, तो यार जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो, हमें ही जीतना है। विलेजर्स हमारे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन क्या आप लोग पिलेजर्स को अच्छा दोस्त बना सकते हो? वैसे तो पिलेजर्स के पास जाते तो हमें ही पेलने लग जाते हैं, लेकिन एक तरीका है दोस्ती करने का, इस बोट से दोस्ती करेंगे हम लोग। जैसे ही आप इस पिलेजर को बोट में बिठा देते हो तो इसके एरोस खत्म होने लग जाते हैं और इस बेचारे की क्रॉसबो टूट जाती है, और फिर आपका ये एकदम नया नया दोस्त बन जाएगा, इसके जाके आप गले भी मिल सकते हो और आप पे ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। रेगिस्तान वाली बायोम में आपने ये वाला स्ट्रक्चर तो देखा होगा, मैं तो इसे पानी का कुआं कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर यार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी ही भरा है। लेकिन 1.20 में ये स्ट्रक्चर काफी मस्त हो चुका है, क्योंकि इसमें जो बीच में पानी भरा है उसको अगर आप खाली कर दो तो आपको ये नई वाली सैंड मिलेगी, जिसको हम सस्पिशियस सैंड कहते हैं, एंड इसको अगर आप ब्रश रगड़ोगे तो आपको काफी ज्यादा मस्त मस्त सामान मिल सकता है। फाइनली कुछ तो काम आया ये बेचारा पानी का कुआं। और गायब होने से याद आया, क्या आपको गायब होने वाली वॉल बनानी आती है? जी हाँ, एक ऐसी वॉल जहाँ से आप पूरे वर्ल्ड को देख सकते हो लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। सिंपल, आपको ऐसे इनविजिबल आइटम फ्रेम पर ऐसे ब्लॉक्स वाले मैप लगा देने हैं, और अब आपको इनको ग्लास पे लगाना है सेम टाइप के ब्लॉक के साथ, जैसे मैं यहाँ पे स्टोन वाले पे लगा रहा हूँ। और अब देखो जरा, अंदर की तरफ से यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा और बाहर की तरफ से यार किसी को पता ही नहीं चलेगा। ट्रेन भाई यार रियल लाइफ में कितनी ज्यादा मस्त और तगड़ी सी होती है, और हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर भी ऐसी ट्रेन बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक फर्नेस वाली कार्ट चाहिए होगी। देखो, सारी जगह मैं यहाँ पे ट्रेन वाले ट्रैक बिछा देता हूँ, और अब इस फर्नेस कार्ट के पीछे चेस्ट लगा देता हूँ, और फर्नेस में भाई कोल भी तो डालना पड़ेगा। और ये देखो, बन चुकी है हमारी प्यारी सी छोटी सी ट्रेन, इसमें आप खुद बैठ कर भी मस्त ट्रैवल कर सकते हो, या फिर इन विलेजर्स को किडनैप करने में बड़ा ही मजा आता है। अगर आप लोग बिल्कुल ही अंधे हो और आसपास लावा है तो भी आप बच सकते हो, क्योंकि यार लावा में से इतनी ज्यादा तेज तेज आवाजें आती है, एकदम प्रो प्लेयर तो यार लावा से बच ही जाते हैं। लेकिन अगर आप लावा पे ऐसे स्ट्रिंग्स डाल दोगे ना तो लावा की एकदम बोलती बंद हो जाएगी, मतलब कुछ आवाज नहीं आएगी। सुनो जरा, देखा, कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देगी इसमें। और अब कोई ऐसे माइनिंग करने निकला है तो उसको लावा सुनाई नहीं देगी। ये इतनी गहरी है, आप डूब गया।
माइनक्राफ्ट में हो रही है बहुत ज्यादा तेज बारिश, तभी आपके सामने बिजली कड़कती है और एकदम से आपके सामने चार हॉर्समैन आ जाते हैं। और इनको आपने पहले भी कभी ना कभी देखा होगा, और इन लोगों को पेलना भी यार काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक बार इन स्केलेटन्स को पेल देते हो तो ये वाले स्केलेटन हॉर्स काफी ज्यादा मस्त हो सकते हैं। इवन ये नॉर्मल हॉर्स से भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि एक तो इनको यार कभी खिलाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इवन अगर आप इनको पानी के अंदर ले जाओ तो ये डूबेंगे नहीं, और आप मस्त ओशन के नीचे इनको दड़ा सकते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी मजे के साथ इस वाली वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। और अगर आपको माइनक्राफ्ट की कुछ सीक्रेट स्टोरीज के बारे में जानना है जिनके बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं करी, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना।